गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट टू वीडियो चैप्टर का, पार्ट टू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 पे है। कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास है ना बराबर में डी, और डी बराबर आपको पता ही है 2R होता है। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R होगी ना। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा आपका क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि 2/r पृथ्वी का व्यास हुआ और उसका 1/4 यानी कि 4 से भाग कर दो, यानी कि r/2 उसका व्यास हुआ। यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या की बात करिएगा, चंद्रमा की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी, इसमें 2 से भाग करेंगे ना, यानी r/2 × 2 हो जाएगा, यानी r/4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब वो कौन सा उसका भिन्न है, कौन सा भाग है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। अच्छा, चंद्रमा और पृथ्वी की बात करें तो दोनों गोले जैसे दिखेंगे ना, तो यहां से हम लोग पहले पृथ्वी का आयतन देख लेते हैं। पृथ्वी का आयतन तो पृथ्वी के आयतन आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 pi। अच्छा, इसकी त्रिज्या क्या है, आर ही है, आर क्यूब, 4/3 pi r³। अब बात करते हैं चंद्रमा का आयतन तो क्या होगा, 4/3 pi r के जगह पे क्या है, r/4 है ना, चलिए r/4³। तो यहां से आप 4³ क्या होगा, 64 ना हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/64 × 4/3 pi r³। तो ये उसका कितना भिन्न देख रहा है, कितना भाग देख रहा है, तो ये 1/64 भाग है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कितना है, 1/64 भाग है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन